So guys, ये देख रहे हम, ये रास्ता देखा आपने, जंगल में घूम रहे हैं। ये जंगल है, सुनसान सड़क है। यहाँ पे हमें अभी 10 मिनट हो गए हैं, कोई बाइक, कोई गाड़ी, कोई सिंगल पर्सन नहीं। सिंगल पर्सन नजर नहीं आया। बता के दरख्तों की आवाज से भी डर लग रहा है। ये आवाज सुना, तो गाइस ये देखे हथियार हमारे पास पूरे, तो भी हथियार दिखा आपने। ये हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वेलकम टू द कॉकरोचेस बाय चैनल। वेरी बड़ा लगा दे जोर एंड जोर। अच्छा यार, वो सारी बातें बता दी, हम सुन जाते कर रहे तुम लोग जाने की। अच्छा गाइस, हम मतलब की तबीयत सेट है, इसके तबीयत सेट है, खाना मेरी इतनी सेट नहीं है, हल्की फुल्की डाउन है, हल्की फुल्की डाउन है, अभी भी डाउन है। सुबह क्या खाना खुना हमने खा लिया हुआ है, तो अब जो हमारा जो प्लान है ना पंचकीर जाने का, उधर जा रहे हैं। रास्ता देखिए, वहाँ पे ना एक फूल अंधेरा, ये देखिए फूल अंधेरा। नहीं, मैं बताता हूँ उनको, ये देखिए, आए जरा बाहर आए, उनको मेन चीजें बताते हैं रुक जाओ, इधर 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 गाइस, उसकी ना जंगल के रास्ते से गुजरना है। बिल्कुल, उसकी एक चीज हो रहा है कि भाई वो जो सही है ना पंच पीर वाला दरबार जो है उधर, भाई रात के टाइम ना यहाँ पे बड़ा मशहूर है, क्योंकि मेरा तो इधर से ताल्लुक है, तो हर बंदा कहता है रात को वहाँ पे ना शेर आता है, तो अल्लाह जिन्नात भी है, जिन्नात भी है। अभी अच्छा, और दूसरा वो है कि बताने लगा कि फूफो लोग कह रहे थे कि ना जाओ, अगर जाना भी बाइक पे चले जाओ। और दूसरा उन्होंने बोला कि पुलिस वगैरह गश्त गुश्त करते करते गश्त फोन शून कर देता। फिर दूसरा ये है कि वो कह रहे थे जिन्नात वगैरह होते हैं, जिन्नात का बहुत खतरा है रात को, तो मना किया था, लेकिन हमने कहा नहीं, हमने एडवेंचर करना है तो पैदल ही करना, बाइक वाला नहीं करना, क्योंकि आपको पता है बाइक पे पैदल जो चल सकते हैं वो बाइक पे नहीं आते। सही बात बताऊं, दलेरी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस मामले में मैं जो है ना बुजदिल हूं। ये लेकिन आपको अभी आइडिया देगा क्योंकि कितना सुनसान है ये चक्कर। गाइस ये देख रहे हम, ये रास्ता देखा आपने, जंगल में घूम रहे हैं। ये जंगल है, सुनसान सड़क है। यहाँ पे हमें अभी 10 मिनट हो गए हैं, कोई बाइक, कोई गाड़ी, कोई सिंगल पर्सन नजर नहीं आया। बता के दरख्तों की आवाज से भी डर लग रहा है। ये हवा है यहाँ पे फुल तेज हवा, ठंडी हवा है। उसके अलावा जब हवा चलती है दरख्तों की, जो यहाँ पे झाड़ी है उसकी जो आवाज आती है ना, कमाल की आवाज है यार। ठंड बहुत ज्यादा, ठंड भी बहुत ज्यादा है। क्या टेम्परेचर, 7 की 6? यहाँ पे सब टेम्परेचर 8 है, लेकिन जो रात को टेम्परेचर होता है ना, जो अपना 12 बजे के बाद, वो 3 पे या 4 पे ज्यादा जाता है। मेहर भाई को दिखा दे रहा, मेहर साहब हमारे यही है, इसने मुंह हमेशा छुपाया होता है, क्यों तो क्योंकि इसे पहचाने ना, कि कोई इसे मांग ना ले। अच्छा मैं एक बात बता दूं, जिधर हम जा रहे हैं ना, ये पानी पीर नाम है उसका, उधर ये के रास्ता मुझे भी कोई नहीं पता, मैं इनको लेके चल रहा हूँ, अल्लाह करे आगे कोई बंदा मिले उसे पूछ के फिर चलते हैं, क्योंकि वो है ना पहाड़ की चोटी के ऊपर, तो ये तकरीबन ना 3 या 4 किलोमीटर का जो रास्ता ना, वो टोटली जो है ना जंगल है, कोई फैमिली कोई ये अभी तो ये भी तो आपको सड़क नजर आ रही है, घर आ जाता है, ये सड़क वगैरह नजर आ रही है ना अभी, लेकिन ये क्या कह रहा है, सड़क भी खत्म हो जानी है, टोटल जंगल है, पहाड़ी सफर है सारा। ये देखें जरा, क्योंकि मैं ना हर चीज़ का मुझे पता है, जो हम वीडियो बना रहे हैं ना, जब अगर मोबाइल की फ्लैश भी तुम्हारे मुँह में पड़ती है, किसी को बल्कि भी नजर आ रही है, तो वारदात का इतना खतरा है ना, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए हम बाइक के बगैर और जो परस्परन सारा कुछ छोड़ के यही मोबाइल लेके हैं, ताकि आपको दिखा, ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं, अल्लाह करेगा, क्योंकि ये जो जगह है ना हम आपको दिखाएं, ये जो जगह है ना, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो ठीक है, जल्दी बंद करते, कोई बंदा इसमें फ्लैश को देखे, तो हम यहाँ पे वीडियो ज्यादा छोटी करेंगे, ज्यादा बड़ी नहीं कर सकते। तो बोल दे यार, क्या क्या तासुरात है, तासुरात बता आपने, कैसा मेरे तासुरात ये हैं, ला गालिब इल्लल्लाह,
ये इंसान अशरफ المخلوقات है, कोई टेंशन नहीं, अल्लाह मालिक है। और जो जिन्नात है वो भी अल्लाह की ही मखलूक है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, उनका भी हक है वो आजाद घूमे, हमें इस चीज़ से टेंशन नहीं है। बंद कर देना भैया, बाकी है कि हम आगे जाके ना थोड़ा सा और आगे जाके जंगल का जो रास्ते का वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फिर आपको ये जो जगह दिखाता हूँ, हम एक मुकाम पे आए हैं जो बिल्कुल जंगल, जो हमने कहा था पहाड़ है, खुद आसे पास कोई सड़क नहीं है, कोई बंदा नहीं है, फिर गीदड़ों की कुत्तों की भौंकने पर आवाज़ें आ रही हैं। हो सकता है ये चीज़ें आपको भी फील हो, मैं पूरा 360 व्यू दिखाता हूँ, तो हो सकता है आप लोगों को चीज़ें फील हो। और सारा शहर नजर आ रहा है, इतनी ऊंचाई पे कि आपको पूरा शहर नजर आ सकता है। अगर ये दिखा इधर, ये देखें, अगर खुदा ना खासा कोई भी इधर हमारे पड़ता है ना, तो हमें भागने के लिए इतना जिगरा चाहिए कि आप सोच भी और ये जंगल आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे। आवाज आई, ये आगे आ जाओ, आगे ले, ये देखिए, मैं दिखा सुना, तो गाइस ये देखें हथियार हमारे पास पूरा, तू भी हथियार दिखा अपने, ये देखें बता, ये हथियार लेके जितना खतरनाक वीडियोस बना रहे हैं, इतना खतरा ना हमारे लिए, ये सोच भी नहीं सकते जितने भी ये वीडियो, ये हम ना आप लोगों की, आप लोगों के लिए दे, आप लोगों के लिए बना रहे हैं, आप लोगों के अपनी जान सूली पे टांग रहे हैं। फाइनली पहुंच गए हैं पंच पीर दरबार, हथियार हमारे पास फुल है, तो ये देख सकते हैं पीछे का व्यू, ये देखें पत्थर देखें माशाल्लाह, और ये अंधेरा देखें, व्यू चेक करें आप, दरबार देखें, ये वो चांद की किरणें और ये नीचे दरबार, ये बिल्कुल टॉप पे पहाड़ी की, ये पहाड़ी के टॉप पे है और हमारी सेम बस हुई है फुल है, लेकिन हम आगे जाके जायजा लेंगे। अब हम 6-7 किलोमीटर चले, अब हम बिल्कुल उसके पास जाने वाले हैं, चेक करते हैं आपको भी दिखाते हैं साथ साथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम नहीं डरते, वो देखिए नीचे एक छोटी सी रोशनी नजर आ रही है, अपनी किस चीज़ की, नहीं नहीं बार बार अंदर नहीं जाना, ये देख रहे हैं गाइस, ये बेसिकली पांच भाई थे, ये उनका ये उनका दरबार है, थोड़ा सा आगे ये देखिए, ये देखिए, ये पता नहीं बंदा जा सकता, ये पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम अंदर नहीं जाएंगे, उनको बता दे, तो नीचे शहर दिखा देगा हम किधर खड़े हैं। यहाँ पे लोग वगैरह आते हैं, लेकिन हम रात के टाइम कोई नहीं आता, दिन के टाइम आते हैं, ये हमें सूझी है, हमें कीड़ा लगा जो हम रात में, लेकिन हमारी कोशिश थी कि हम आपको एक ऐसी चीज दिखाएं जो कभी किसी आप लोगों ने देखी हो, कोई भी ना क्या बोलते हैं स्क्रिप्टेड, हाँ स्क्रिप्टेड, वो नहीं, ये सच में दरबार है, ओरिजिनल है वीडियो, ये है कि अब हमने आपको ये दरबार दिखा दिया, ये हमने दिखाना था, ये तकरीबन 6-7 किलोमीटर पहाड़ी हाइकिंग बोलते हैं, हाइकिंग करके आए जंगल में से, और दूसरा ये कि यहाँ पे ना होता कि रात को यहाँ पे शेर भी आता, अब आपने दरबार देख लिया, अब हम निकलते हैं और वापसी यहाँ से निकल के ना निकल के यहाँ से फिर उधर आपको रोड पे दिखाई, रोड आ गया, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे यकीन करें मेरी बिल्कुल, मैं खुद डर गया हूँ, सीधी सी बात है, आ गया, कोशिश करते हैं कि हम अंदर कोई दरवाजा वगैरह ना, तो उसके पास आपको ले जाऊँ मैं, रुकना जरा ताहिर, अच्छा वैसे ये जंगला लगा हुआ है, ये मेरा ख्याल है सारा इसके अंदर बना हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है पंच पीर, सलाम तो कर दो, ये पंच पीर लिखा हुआ है, अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, हमारी तरफ से आप लोगों को सलाम, और हमें अपनी दुआ में याद रखना, और हमारा यहाँ पे आना कबूल फरमाना, अल्लाह से हमारी सिफारिश करना, और हमारा यहाँ पे आना हमें कबूल फरमाना, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो गाइस यहाँ पे अब हम व्लॉग को ख़त्म करेंगे, वो देखिए वो मुझे छोड़ कर चले भी गए हैं, ये ऐसे वगैरह दोस्त हैं, अब हम यहाँ पे व्लॉग को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अब दोबारा वीडियो बना रहे, दोबारा दिखा रहे हैं इनको, अभी वापसी जाना है, इतना सफर, अभी हम वापसी भी चले आपको दिखाते हैं, मैंने सोचा था कि हम दोबारा फ्लैश वगैरह ना ऑन करके, फ्लैश से ना, फ्लैश से काम खराब होता है, आपको दिखाते हैं कि स्केसर बेस जो है हाँ, वो बिल्कुल टॉप के ऊपर, वो देखें, ये देखें बिल्कुल इक्वल लग रहा है, अब वो देखें स्केसर बेस क्या लग रहा है, इक्वल क्या व्यू आ रहा है उसका, उनको बता कि वो ऊंचाई में है, सबसे ऊंचा है, असल में ना यहाँ पे जो भी सबसे इस स्केसर सूंस केसर वैली का सबसे ऊंचा जो पहाड़, बर्फबारी जहाँ पे होती है, जहाँ पे बर्फबारी होती है चकवाल में सबसे ज्यादा, वो चकवाल नहीं खुशाब में जो बर्फबारी होती है ना, वो यही जगह है
सकेसर बेस, और ये सबसे ऊंची है पहाड़ियों में से। ये दिखा ला, वो देखिए नीचे शहर देखे, मतलब पहाड़ के ऊपर टॉप पे है इस टाइम, ये बता। और वो फुल टॉप पे है, यानी वो इस पहाड़ से भी काफी ऊंचा है। पूरा इधर गाना लगेगा, ये देखिए जरा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ये मौका दिया और हमें हिम्मत दी, हमें जज्बा दिया हम आप लोगों के लिए, और जो हमारा मिशन था, हमारा जो प्लान था, वो हमारा पूरा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह का ताला का। बाकी अब नीचे का क्या कुछ दिखाते हैं। पत्थर हमारे पास अभी भी मौजूद है, क्योंकि भाई खतरा जो है ना वो बहुत है। आपको बता कि जो हमने रोड से भी जाना ना नीचे, वहाँ से हमने भाग के जाना है, वहाँ से हमने वारदात का हाँ, और वहाँ पे वहाँ पे हम वीडियो नहीं बना। मेहर भाई दिखा, बिल्कुल तैयार हो गए, मेहर भाई फुल डाकू लग रहे हैं। ये देखे पत्थर इसने एक ही पकड़ा हुआ है, लेकिन वो कोई बात नहीं है, लेकिन एक पक्का ही शॉट मारेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो हम बंद करते हैं, बाकी हम आपको आगे जाके दिखाते हैं। A few moments later. तो गाइस हम थोड़ा सफर तय कर रहे हैं, बिल्कुल सुनना पत्थर में फेंकने क्योंकि हमारा एरिया भी आकर दूसरा या कोई और चीज दिखाते हैं। ये देखे ये कब्रिस्तान बना हुआ है, हमें भी दिखा दे। तो गाइस ये आगे आगे जा रहे हो एकदम पीछे से, मैं गायब हो जाऊं, लाइट खत्म हो जाए तो राई दुनिया से खत्म हो जाएंगे। बस आप ना जगह चेक करें। खैर व्लॉग को खत्म करते हैं अब, तो ठीक है गाइस, अब यहाँ पे हम व्लॉग को खत्म करते हैं। सब आपके लिए मेहनत की है, इसको ना क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें 200 का। ये यकीन जाने कुछ भी लिखा पड़ा नहीं था, ये बिल्कुल नेचुरल थी, बिल्कुल नेचुरल ए टू जेड, कोई एडिटिंग कोई कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल रियल है ना, रियल है, 100% रियल है, प्योर है, ये प्योर 100%। इस पे आप अगर हमसे कुछ पढ़वाना चाह रहे हैं, हम आपको वो प्रूफ देके कह सकते हैं ये बिल्कुल रियल थी और आप लोगों के लिए बनाई थी। अब भाई मेहरबानी है, रिक्वेस्ट आपसे, यकीन जाने हमारे चैनल को अपनी जान पे खेल के गए हैं। गिद्दड़ों का बहुत खतरा था, गिद्दड़ अगर 4-5 आ जाए ना हम तो फिर गए। एक वो देखे वो आगे जा रहा है, ये हमारा कमांडो था, कमांडो था, इसका हमने मास्क उतार दिया भाई। यहाँ पे लोगों के अंदर ना जीप खौफ पैदा होता है, एक दो बाइक गुजरी तो वो ना हमें गोली डाल के गुजरे हैं, और उसने बाइक रोक दी थी कि हाँ। जो कुछ लेना दे दें हमें से। अच्छा ये है कि भाई वीडियो को खत्म करते हैं, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को लास्ट भी दिखाएं, उनको कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। ये देख कुत्ते भौंक रहे हैं, ये कुत्ता आगे चल रहा है, ये है वो कुत्ता। खैर यहाँ पे हम लोग को खत्म कर रहे हैं, ठीक है फिर अल्लाह हाफिज़।